नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर कुछ दवाइयाँ पौधों से बनाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ जानवरों से बनाई जाती हैं और कुछ दवाइयाँ धातुओं से भी बनाई जाती हैं। जैसे लोहे से कुछ दवाइयाँ बनती हैं, फेरम फॉस लोहे से बनती है, फेरम मैट लोहे से बनती है, चांदी से कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं, अर्जेंटम मैट चांदी से बनती है, अर्जेंटम नाइटिकम चांदी से बनती है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको सोने से बनी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई की जानकारी दूंगा और बताऊंगा आपको कि ये दवाई किस किस रोगों में काम करती है, इस दवाई के लक्षण क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से रोग में कौन सी पोटेंसी में ये दवाई अच्छा काम करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सोने से बनी हुई एक बहुत ही शक्तिशाली होम्योपैथिक दवाई जिसका नाम है ओरम मैट। तो दोस्तों, सबसे पहले इस दवाई के मानसिक लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ओरम मैट का पेशेंट है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? दोस्तों, ओरम मैट के पेशेंट में बहुत ज्यादा हताशा, बहुत ज्यादा निराशा रहती है। ये हताशा, ये निराशा किसी भी कारण से हो सकती है। अगर वह कोई व्यापार करता है और व्यापार में उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, या उसके घर में बहुत ज्यादा कलह रहती है, पत्नी के साथ नहीं बनती, डिवोर्स हो गया है या डिवोर्स होने के चांसेस हैं, या कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो गया है, या किसी व्यक्ति का प्रेम सफल नहीं हो पाया, उसे प्रेम में धोखा मिल गया है, तो ऐसे लोगों के अंदर बेहद हताशा, बेहद निराशा होती है। या किसी को कोई बीमारी है, उसे लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और उस कारण से वो बेहद डिप्रेशन में रहने लगा है, अवसाद में रहने लगा है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करने के, सुसाइड करने के विचार भी आने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर भी बेहद हताशा हो, बेहद निराशा हो, आपको लगता है कि मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, आप जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुके हो और आपके अंदर आत्महत्या करने के विचार आ रहे हो, तो ऐसे लक्षण सोने से बनी होम्योपैथिक दवाई ओरम मैट के अंदर आते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से कोई भी उम्मीद नहीं रहती, उसे ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा और उसे लगता है कि अब मेरा जीना व्यर्थ है। तो दोस्तों, ये तो हो गए ओरम मैट औषधि के मन से संबंधित लक्षण। अब हम इसके पुरुषों से संबंधित लक्षण जान लेते हैं। तो दोस्तों, ओरम मैट का जो दूसरा लक्षण है वह है हमारे टेस्टिकल के ऊपर। अगर हमारे टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया है, टेस्टिकल सूख गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गोली छोटी हो गई है या वे बिल्कुल लटक गए हैं, तो इन लक्षणों में भी ओरम मैट औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, ओरम मैट औषधि का तीसरा लक्षण है रात के समय हड्डियों में दर्द होना। अगर आपको रात को लेटने के बाद में पैरों में, हाथों में या सिर में, सिर की जो है हमारी खोपड़ी है, कपाल है, इसमें बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये दर्द जोड़ों के अंदर नहीं होता। जैसे ये हमारी यहाँ की हड्डी है, इसके अंदर दर्द बन जाता है। कई बार पैर की जो घुटने से नीचे की हड्डी है उसके अंदर बेहद तेज पीड़ा हो जाती है और ये पीड़ा अक्सर रात में ही होती है, तो ये भी ओरम मैट औषधि का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। दोस्तों, ओरम मैट औषधि का अगला लक्षण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अगर रात के टाइम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे में सबसे उपयुक्त होम्योपैथिक औषधि है ओरम मैट। दोस्तों, ओरम मैट की यही खास बात होती है कि अगर रात्रि में आपकी बीमारियों के लक्षण बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको ओरम मैट जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, ओरम मैट होम्योपैथिक औषधि का एक लक्षण स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर स्त्रियों का गर्भाशय अपनी जगह से खिसक जाता है और जब वे नीचे बैठती हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनका गर्भाशय बाहर निकल जाएगा, गर्भाशय लटक जाता है और उसका प्रेशर ऐसा रहता है जैसे कि वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो ऐसे लक्षणों में भी ओरम मैट होम्योपैथिक दवाई बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। दोस्तों, व्यक्ति के शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनमें से किसी भी ग्रंथि के अंदर अगर सूजन है, उसके अंदर इंफ्लामेशन है, तो ग्रंथियों की सूजन और इंफ्लामेशन को खत्म करने के लिए भी ओरम मैट बहुत ही उपयुक्त होम्योपैथिक औषधि है। दोस्तों, अगर आपकी बीमारी के लक्षण रात के टाइम बढ़ जाते हैं और जैसे ही आप खुली हवा में बाहर निकलते हो आपकी बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए ये सीधे सीधे ओरम मैट होम्योपैथिक दवाई के लक्षण हैं।
तो दोस्तों आप इस सोने से बनी हुई होम्योपैथिक दवाई का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप हताशा में हैं, आप निराशा में हैं, सुसाइडल थॉट आपके अंदर आ रहे हैं, तो ये दवाई उस समस्या की सबसे मेन दवाई है। दोस्तों मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैं यही प्रयास करता हूं कि आपको एक सच्ची और अच्छी जानकारी दी जा सके। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।